हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट है बेटा हिंदी की, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं पाठ राम वृक्ष बेनीपुरी का, वो है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक अजीब चरित्र हैं जिसका वर्णन करते हैं रेखाचित्र के रूप में। कौन करते हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी जी इसका वर्णन करते हैं। आपको पता है, जब भी हम लेखक बनते हैं या लेखक होते हैं, तो हम जिंदगी में उन कैरेक्टर्स का, उन चरित्रों का रेखाचित्र बनाते हैं जो हमें अनूठे लगते हैं, जो हमें अनोखे लगते हैं। हम भी अपनी डायरी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो हम उन चीज़ों को पिक्यूलियरली याद रखते हैं, पर्टिकुलरली जिनके बारे में हमें कुछ अनोखा दिखाई देता है, जो औरों से अलग होते हैं। दोज हु आर डिफरेंट आर टू बी रिटन, जो अलग होते हैं उन्हीं के बारे में लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक अजीब तरह के भक्त का नाम दिया गया है इनको, और उनका नाम का वर्णन किया गया है। वर्णन अलग अलग तरीके से रेखाचित्र से बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने किया है। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा भी था रेखाचित्र होता क्या है। तो हम पढ़ते हैं आज को आगे। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी और जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। बिल्कुल कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र, सिर पे कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, कमली मतलब कंबल, छोटा कंबल, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। बेडोल मतलब जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं थी, प्रॉपर ऐसा नहीं था कि बहुत ही सुंदर है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं बिल्कुल नहीं, वो गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी थी, गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे पुतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी करते थे, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में वो खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते। यहाँ पर एक और छोटी सी बात लेखक बताना चाहते हैं कि संत बनने के लिए, साधु बनने के लिए आपको घर छोड़ना ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर ही छोड़ें। जो साधुवाद होता है या जो संतवाद होता है, साधुवाद होता है, ये आपके मन से आता है, ये आपके आचरण से आता है, ये आपके पहनावे से नहीं आता है, ये घर छोड़ने से नहीं आता है, ये एक मन की भावना है, आपका आचरण है। अगर आपका आचरण अच्छा होगा, साधुओं जैसा होगा, तो आपको साधु ही कहा जाएगा। चलिए, बाल गोविंद भगत के स्वरूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर किया गया है, उसी को कॉपी करेंगे। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 की लगभग 60 की उम्र थी, बाल सफ़ेद थे, लंबी ढाड़ी तो नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। थोड़ी थोड़े इसको मैं शब्दों का हेर फेर करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट शब्दों को लिखना, राम वृक्ष बेनीपुरी जी जैसे शब्दों को लिखना वैसे भी सही नहीं होता कभी भी, और वैसे भी आपको एज अ स्टूडेंट आपको जब उत्तर लिखना होता है तो थोड़ा शब्दों का हेर फेर करना आवश्यक होता है। लिख सकते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन है, इसी के हिसाब से आप लिख सकते हैं। लेखक ने बाल गोविंद भगत को गृहस्थ क्यों कहा है? गृहस्थ इसलिए क्योंकि वो घर पर ही रहते थे, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, इसलिए उनको गृहस्थ कहा गया है। एकदम गृहस्थ थे, मतलब ऐसा नहीं था कि घर बार नहीं था, बीवी बच्चे नहीं थे। गृहस्थ वो होता है इंसान जो घर पर रहता है और जिसके बीवी बच्चे पोता पोती बच्चे सब होता है, तो उसके तो इसलिए उन्होंने राम बाल गोविंद भगत को गृहस्थ कहा है। बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते थे? वो कबीर को अपना साहब मानते थे। संत कबीर की बातें याद रखते थे, उन्हीं के दोहे गाते रहते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे, जैसे कबीर के आचरण को फॉलो करते थे, इसलिए वो कबीर को साहब मानते थे। अपने बारे में अपनी जानकारी के आधार पर एक किसान को का वर्णन अपने शब्दों में करिए। एक किसान को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक रेखा चित्र के रूप में आपको लिखना है कि एक किसान कैसा होता है। यहाँ पर बाल गोविंद भगत के बारे में चार लाइनें, जो हमसे पहला प्रश्न पूछा गया था। भगत की उम्र 60 के ऊपर ही होगी, चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग करता था, वो केवल एक लंगोटी पहनते थे, जाड़े में कंबल ज़रूर लपेटते थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही सीधा सादा था, वे हमेशा अपनी भक्ति और गृहस्थी में लीन रहते थे। वे तड़के ही उठ जाते और स्नान करके गाना के बाद गाना गाते थे।
बाल गोविंद भगत की दिनचर्या को लोगों को अचरज का कारण क्यों बनती थी? चाहे कोई भी मौसम हो, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। वो रोज सवेरे उठकर 2 मील पैदल चलकर नदी में स्नान करने जाते थे। वहां से लौटने के बाद पोखर के भिंड पर गाना गाते थे। उनकी नियमित दिनचर्या के कारण लोग अचरज में पड़ जाते थे। खेतीबाड़ी में से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? बाल गोविंद भगत कबीर के पक्के भक्त थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे हमेशा खरा व्यवहार करते थे। वे किसी भी चीज़ का उपयोग बिना अनुमति मांगे नहीं करते थे। इन्हीं के कारण उन्हें साधु कहा जाता था। भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्रवधु उनकी सेवा करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी एक बूढ़े आदमी को अकेले रहना पड़े, इसलिए वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? ये कहानी जैसे जैसे डेवलप होगी आप सुनेंगे कि यहाँ पर बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। अपने बेटे की मृत्यु पर भगत ने गाना गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। वह अपनी बहू से भी बेटे की मौत का उत्सव मनाने को कहते हैं। उनका मानना था कि मृत्यु से तो आत्मा की परमात्मा से मिलन होता है, इसलिए इस अवसर पर खुशी मनानी चाहिए। यहाँ पर बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है? बाल गोविंद भगत के चरित्र के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषा पर खरे उतरने वाले थे, लेकिन ऐसा इसलिए कहा गया, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चे, जहाँ पर उनको गृहस्थ कहा गया, लेखक ने, प्रश्न नंबर 3 है कि लेखक ने बाल गोविंद भगत को गृहस्थ क्यों कहा है, ये उसका उत्तर है। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषा पर खरे उतरने वाले थे, लेकिन ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो बाल गोविंद भगत थे वो तो कबीर साहब को मानने वाले थे। उनके गीतों को गाते, उनके आदेशों का पालन करते, कभी झूठ नहीं बोलते, रविवार का व्रत रखते, किसी से दो टूक बात करने में कभी भी नहीं सोचते थे, ना किसी से झगड़ा, किसी भी चीज़ को बिना बताए कभी ना छोड़े, उनको मेवाड़ में ले आते, कभी दूसरे के खेत में शौच करने के लिए नहीं बैठे, जो कुछ भी खेत में पैदा होता वसीम पर लाद कर पहले साहब के दरबार ले जाते कबीरबंदी मठ में, उसके बाद भीड़ स्वरूप जो भी वहाँ प्रसाद रूप में मिलता उसको वही घर ले आते थे। मतलब उनको गृहस्थ भी कहा गया और उनको साधु भी कहा गया है। अगले उस पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चे, एक किसान के रेखा चित्र या एक किसान की दिनचर्या के बारे में हमें कुछ लिखना था, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इससे मिलता जुलता। रेखा चित्र में हम लगभग उसके पहनावे का, उसकी दिनचर्या का, वो कैसे चलता है, कैसा दिखता है, इन सब चीज़ों का वर्णन किया जाता है। तो थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है, थोड़ा प्रयास आप भी करेंगे। एक किसान सुबह उठकर सबसे पहले अपने खेत में जाता है, अपनी दिनचर्या में भी खेत में ही करते हैं। यहाँ पर रेखाचित्र नहीं है बेटा, पर किसान की दिनचर्या के बारे में बताया गया है। रेखाचित्र तब बनता है जब आपके दिमाग में कोई छवि होती है कि उसके हाथ कैसे थे, उनके पाँव कैसे थे, उनका चेहरा कैसा था। वे सुबह सुबह खेतों में भी काम करते हैं। सुबह में उसे समय ज़्यादा धूप न होने के कारण वे सुबह ज़्यादा काम भी कर पाते हैं, इसलिए अनाज के समय वे सारा दिन खेत में ही लगे रहते हैं। अनाज उगाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जो लगातार वहीं पर रहना पड़ता है। ऐसे ही आप रेखाचित्र लिखिएगा, एक किसान, एक हट्टा कट्टा किसान या फिर कोई पतला किसान, जैसा भी किसान आपने देखा हो, जैसी भी छवि आपके मन में उभरेगी उस हिसाब से आप अपना रेखाचित्र बना सकते हैं। आई होप आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो अगली वर्कशीट के साथ मिलते हैं। हिंदी की वर्कशीट को ध्यान से करिए, हिंदी भी अच्छा सब्जेक्ट है। दिन में आधा घंटा तो हिंदी भी पढ़ा करिए बच्चे। चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक रक्षाबंधन मनाइए। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग द न्यू थिंग्स। बाय बाय, टेक केयर।